एक घर से दूसरे घर जाने के लिए वो घोड़ा यूज किया करते थे। बोले अब अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, मैंने सोचा कि इस बगीचे में ही रुक जाऊं। अरे बोले तुम ऐसे किसी के यहाँ भी रुक जाओगे, हमें क्या पता तुम साहब हो कि चोर हो। तो अपने मित्रों के साथ, अपने सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। अचानक से जब हल्की सी आंधी कम हुई तो एक व्यक्ति आता हुआ ऐसे दिखाई पड़ा सेठ को। मैं इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जरूरत से ज्यादा व्यर्थ कभी खर्च नहीं करना चाहिए, ये युवा पीढ़ी को सीखना पड़ेगा। और उसी का ये दूध। बोले एक बकरी, तुम लोग यहां कितने प्राणी हो? बोले मैं हूं, मेरी मां है और मेरे पिताजी हैं, तीन लोग। वो रात भर घोड़े की तलाश करता रहा और जब ब्रह्म मुहूर्त होने लगा तो ये महानुभाव घोड़ा इसको मिल गया और घोड़ा लाके यहां बांध दिया। सिंध प्रांत में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति, बहुत धनाढ्य व्यक्ति, अच्छा खासा धन था उसके पास, बहुत धन था उन महानुभाव के पास में, बिजनेस बहुत था, कभी इधर जा कभी उधर जा, कई घर थे कई मकान थे और इतने इतने डिस्टेंस पे उनके मकानात थे कि वो आज के जमाने में कहते हैं ना इतना लंबा घर है कि लोग गाड़ी से एक दूसरे या बाइक से एक दूसरे रूम में जाते हैं, ऐसा तो आजकल कहाँ संभव है, पर अगर हो भी तो बाइक, लेकिन पहले घोड़े यूज करते थे लोग, बाइक बाइक नहीं थी, घोड़े यूज करते थे और तीव्र गति वाले घोड़े। तो वो इतने धनवान थे कि एक घर से दूसरे घर जाने के लिए वो घोड़ा यूज किया करते थे, इतने धनवान। हरे घर के आगे वागान था, बहुत सुंदर सुंदर बगीचा था और बगीचे इस लोग राजा महाराजा रानियां इसलिए यूज करते थे कि मॉर्निंग वॉक उसमें करते थे वो लोग, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता था। आजकल के लोगों में बीमारियां इसलिए रहती हैं क्योंकि लोग वॉक नहीं करते, बहुत एकदम ऐसे समझो जैसे सांप ने पैर बांध रखे, आप घूम नहीं सकोगे, आप सिर्फ खड़े रहो या बैठे रहो। आप शरीर को सुख देने के लिए इतिहास देखो ना, आप सबका, सभी राजा महाराजाओं के बगीचे होते थे, किस लिए होते थे? घूमने फिरने के लिए होते थे, नित्य घूम। अब आपने कितनी कहानी सुनी होंगी, राजकुमारी नित्य घूमा करती थी, रानी नित्य घूमा करने, राजा नित्य घूमने जाया करते थे। घूमना, जो घूमना कह दिया वो है मॉर्निंग वॉक ही या इवनिंग वॉक, किस लिए? शरीर को फिट रखने के लिए। हेल्थ इज वेल्थ इंग्लिश में कहते हैं, अगर शरीर स्वस्थ है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं, पहले हेल्थ रखो स्वस्थ। कसम से जिस दिन माथा बनना जाता है ना, कई बार ऐसा खुद भी कई बार किसी कारणवश सर में, उस दिन कथा कहने का एक अलग तरीका होता है, उस दिन बीमारियों के उपाय ज्यादा बताने लग जाते हैं महाराज लोग। किस दिन जब खुद महाराज बीमार बैठे हो व्यासपीठ पे, जब लगता है कि आज हमें ही खुद परेशान है, तो फिर बीमारियों के ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जिस दिन स्वस्थ होते उस दिन कोई उपाय पर सब धरे रह जाते, सिर्फ कथा पे ध्यान लग जाता है, इफेक्ट है। आपके शरीर में जो होगा वो आपकी मन वाणी में आ ही जाएगा, तो इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो सेठ जी अपने बागान में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय अपने सर पे एक सामान रखकर वयोवृद्ध आदमी आए और वयोवृद्ध आदमी उनके बगीचे में अपना वो पोटली उतार के रखने लगे। और जब पोटली उतार कर रखने लगे तो सेठ जी ने पूछा, कौन हो तुम? बोले मैं राहगीर हूं। ये क्या कर रहे हो? बोले अब अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, मैंने सोचा कि इस बगीचे में ही रुक जाऊं। अरे जानते हो बगीचा मेरा है? बोले ये तो नहीं जानता था बगीचा आपका है, पर मैं रुक जाऊंगा, आप कहो तो मैं घुड़साला के आगे कहीं बैठ जाऊं, वहां रात काट लूं, सुबह निकल जाऊंगा। अरे बोले तुम ऐसे किसी के यहां भी रुक जाओगे? ऐसे कैसे संभव है? बोले मैं रात ही तो काटनी है, मुझे दिन चढ़ेगा मैं निकल जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम अगर रात में यहां रुक गए तो मुझे एक आदमी रखना पड़ेगा तुम्हारी रक्षा के लिए। बोले मेरी रक्षा क्यों? मेरी रक्षा किस लिए करनी है? अरे नहीं करें क्या? तो हमारे बगीचे में रहोगे या गौशाला के आगे रहोगे, रात को पता नहीं कौन व्यक्ति, हम तो तुम्हें जानते नहीं कौन हो क्या हो कैसे हो, जब मन करे किसी वस्तु सामान को उठाकर लेके चले, हमें क्या पता तुम साहब हो कि चोर हो, हमें क्या पता।
जैसे ही चोर शब्द सुना, उस व्यक्ति ने अपने कानों पर उंगली रख ली, राम 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 कहते हुए तुम मुझे चोर समझते हो ऐसा समझकर पोटली सर पे रखी और चला गया। बारिश हुई, आंधी आई, सब सहते हुए उसने उस नगर में ही रुकना ठीक नहीं समझा। जिस नगर में आए हुए अतिथि को लोग चोर समझते हों उस नगर में कभी नहीं रुकना चाहिए, ऐसा उसके मन में दृढ़ निश्चय था। वो वापस चला गया, रात भर चलता रहा, घर पहुंच गया, बात आई गई हो गई। एक दिन की बात, सेठ जी के मन में एक इच्छा हुई शिकार खेलने की, तो अपने मित्रों के साथ अपने सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। एक मृग उनको दिखाई पड़ा और सेठ जी ने अपना घोड़ा उनके पीछे मृग के पीछे लगा दिया, और जब मृग के पीछे घोड़ा दौड़ने लगा तो मृग की स्पीड तेज हुई, तेज दौड़ते 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 घोड़ा भी स्पीड से दौड़ रहा, लेकिन जितनी सेठ जी के घोड़े की स्पीड थी उतनी और घोड़ों की नहीं थी, वो रह गए पीछे। उस मृग को जान बचानी थी तो वो मृग उस घने जंगल में घुस गया, और वो भी घने जंगल में पीछा करते करते घुस गए। बाकी के लोगों ने समझा यहां जाना ठीक नहीं, पता नहीं कहां चले गए सेठ जी। तो अब धीरे धीरे शाम होने लगे, बादल घेरा है, भयानक बारिश होने लगा, चांस हो गया। अब तो सेठ जी बोले कि अब तो मैं घने जंगल में आ गया, पहले तो गूगल भी नहीं था जो डाल देते मकान का तो वो बता देता कि इस हाथ से ऐसे निकल जाओ, गूगल मैप अब कहाँ गया। अब तो फिर भी गूगल ने अच्छा काम किया है, तो एक दूसरे जगह पहुंचाने के लिए मैप तैयार कर दिया, पहले तो ये सब साधन थे ही नहीं। जंगल में भटक गए, घर का रास्ता भटक गए, अब क्या करें, घोड़े से उतर गए। अब इतनी तेज आंधी, इतनी तेज आंधी कि घोड़े की आंखें भी परेशान होने लगी। घोड़ा उस प्रकृति की मार से बचने के लिए भागा सेठ को छोड़कर, वो भी भाग गया। अचानक से जब हल्की सी आंधी कम हुई तो एक व्यक्ति आता हुआ ऐसे दिखाई पड़ा सेठ को, वो युवा बालक था। उस युवा बालक ने पूछा, आप कौन हैं, इस जंगल में क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, अब उस सेठ जो लोग होते, पैसे वाले जो होते, उन्हें बड़ा डाउट बहुत ज्यादा होता है, उन्हें टेंशन रहती है कहीं मुझे लूट न ले, कहीं कुछ और पता न कर ले कुछ। बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं तो यहीं रहने वाला हूं, इसी जंगल में रहता हूं, झोपड़ी है यहां, तुम यहां रहते? बोले, हाँ। अरे भैया, हमारे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आ गई? बोले, हमारे संघ के लोग पीछे छूट गए, पता नहीं कहाँ हैं, घोड़ा था वो भी भाग गया, और अब हम अकेले रह गए, और रात कहाँ काटेंगे, कैसे कटेगी। उसने कहा, आप ऐसे क्यों सोचते हो, आप हमारे अतिथि हो, आप आओ, आप यहाँ रुको। अरे नहीं, मैं अकेला हूँ। हाँ, आप रुक सकते हैं, तुम मुझे जानते नहीं, मैं कैसे रुक सकता हूँ तुम्हारे यहाँ। बोले, नहीं नहीं, हम मुझे कोई परेशानी नहीं, आप रुकिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बोले, काम कर सको तो भैया बड़ा उपकार होगा, मेरे घोड़े का पता लगाओ, मेरे आदमी मिल जाए तो कुछ पता चले। घोड़ा तो कंपलसरी है, 2000 रुपए का घोड़ा था महाराज, महंगा था, और 2000 उस समय बहुत हुआ करते थे। आजकल के बच्चे तो 2000 मैगी बनाने लेके ले जाएंगे 2000 की नोट को, तो चलो मैगी खाते हैं बच्चे। गोयल साहब, अगर आपको याद हो, मुझे याद है मेरे जमाने में जब हम लोग माठ से वृंदावन आते थे, पहले तांगे वाला चवन्नी लेता था, सिर्फ चवन्नी, चार आना, कितने चार आना लेता था, और कितने बुजुर्ग ऐसे थे कि वो चार आना नहीं देने, क्योंकि रुपया खुलवाना पड़ेगा, एक रुपया है तो 7 किलोमीटर पैदल पहुंच जाते थे माठ से वृंदावन, लेकिन घोड़े पे नहीं, तांगे में नहीं बैठना है, क्योंकि 1 रुपया खुलवाना पड़ेगा। उन्हें थी वैल्यू, उस समय पैसा भी कम था, लेकिन उस समय पैसे की वैल्यू भी थी,
आज क्या है, बच्चे को तुम 2000 दे दो, 10000 दे दो, 5000 और पूछो क्या करे, वो सब खत्म। सब खत्म कहां है वो नहीं पता कहां है, खत्म हो गए बहुत, चाहे वो खाने में, पहनने में, लाने में, ले जाने। 2000 रुपए को वो सिर्फ चॉकलेट के लिए खुलवा सकता है 2000 के नोट को, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर चॉकलेट लेनी है तो बोलिए पकड़ो चॉकलेट दो। हम जैसा आदमी आज भी इतना कंजूस है, चलो हम सुबह का देख लेंगे आराम से, देख बाद में खा लेंगे। वैसे एक बात और सीख लो, जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है धन उसका सम्मान बढ़ा देता है। जरूरत से ज्यादा व्यर्थ कभी खर्च नहीं करना चाहिए, ये युवा पीढ़ी को सीखना पड़ेगा, हर उस गृहस्थी को सीखना पड़ेगा जिसकी आय कम है, ज्यादा भी है तो भी सीख लो। अब वो लेके गए, चलिए अब झोंपड़ी में ले गए उन्हें, अब अतिथि महोदय झोंपड़ी में लिटा दिए पलंग पे, थोड़ी देर बाद में एक कटोरा दूध लेके आया, बोले आप दूध पी लीजिए, आप थक गए होंगे पूरा दिन निकल गया। उसका इतना दूध यहां है, कितने पशु हैं तुम्हारे पास, बोले ज्यादा नहीं एक बकरी है और उसी का ये दूध है। बोले एक बकरी, तुम लोग यहां कितने प्राणी हो, बोले मैं हूं, मेरी मां है और मेरे पिताजी हैं, तीन लोग, और हम लोगों के जीने का साधन ही एक बकरी है, इसका ये दूध है, इसी दूध को हम लोग तीनों में बांट के पीते हैं, लेकिन आज आप हमारे यहां अतिथि हैं इसलिए ये दूध हम आपके लिए लाए, आप इसको पी लीजिए। बोले तुम नहीं पियोगे, बोले नहीं आप अतिथि हैं, आप प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे लिए यही पर्याप्त, आप प्रसन्न हो जाएंगे हम यही, हमारे लिए पर्याप्त है। बोला गजब का संस्कार है, अद्भुत संस्कार है, खुद व्रत पे रह जाएंगे लेकिन तुम दूध पी लो। छोटी सी झोंपड़ी है जहां को ढंग से आदमी रह नहीं सकते और फिर भी खुद के लिए चले गए बाहर और अतिथि के लिए बिस्तर दे दिया, आप विश्राम कीजिए, गजब क्या है। सोचते सोचते सेठ जी सो गए और ये बालक जो था, बालक था 10-15-16 साल का, वो रात भर घोड़े की तलाश करता रहा, रात भर सोया नहीं। अतिथि प्रसन्न होके जाएगा तो भगवान प्रसन्न होगा, इस भाव को लेकर वो रात भर घोड़े की तलाश करता रहा और जब ब्रह्म मुहूर्त होने लगा तो ये महानुभाव घोड़ा इसको मिल गया और घोड़ा लाके यहां बांध दिया। अब मां ने देखा घोड़ा आ गया, ये भी रात भर का दिन भर का जन कितना भूखा होगा, इसे भी तो कुछ खिलाओ, थोड़ा बहुत जो इधर उधर पड़ा था वो दाना पीसने लगी उसके लिए, जो सड़े गड़े दाने होते हैं अन्न के, उसको पीस के दाना बनाने लगी, किसके लिए, घोड़े के लिए, ये भी तो थी। सेठ जी सुबह उठे तो उसने कहा कि ये लो आपका घोड़ा आ गया, सेठ की आंखों में आंसू आ गए, कोई कैसे अतिथि का इतना सत्कार कर सकता है, घोड़े की इतनी चिंता तुम्हें है, तुम्हारी मां को है, वो कह रही घास तो खाई होगी दाना नहीं खाया होगा, ऐसे में एक बात बताओ तुम्हें ये संस्कार किसने दिए। तो उस बच्चे ने कहा मुझे ये संस्कार मेरे पिताजी ने दिए। पिताजी ने, बोले हाँ, तो मैं उन पिताजी के दर्शन करना चाहता हूं, वो थोड़ी डिस्टेंस पे दूसरी झोंपड़ी में थे, मैं तुम्हारे पिताजी के दर्शन करना चाहता हूं। बोले मैं पूछ के आता हूं। वो बालक गया और पिताजी बोले कि कैसे अतिथि सेवा सही हो रही, बोले हाँ सही हो रही, पर एक बात है, क्या उससे वो जो अतिथि महोदय है वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले मिलने का सक मतलब क्या है, मिलेंगे क्यों, रहने दो, तुम सेवा करो मन से करो, मैं मिलना नहीं चाहता उनसे।
आज तक बच्चे ने, ध्यान से सुने, आज तक बच्चे ने कभी भी अपने पिताजी, इस बच्चे ने क्यों शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पॉइंट नोट करना सभी, क्या नहीं किया, क्यों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यों, व्हेन यू हैव डाउट ऑन योर फादर वर्ड्स देन यू से क्यों, व्हाई, हाँ या ना, जोर से बोलो, हम क्यों का इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी बात पे डाउट होता है तो हम क्यों का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, आज तक इस बच्चे ने कभी अपने पिता से क्यों नहीं पूछा।